पे चीज क्यूब्स डाल रही हूँ। इसका भी मज़ा बहुत अच्छा आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मोज़रेला चीज़ ही डालो। इस तरीके से करके प्लेट में डिश आउट कर दूंगी। स्लोली आप इस तरीके से इसे उठा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, सास बहू की जिंदगी में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड बाइट्स, जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग टाइम आप ले सकते हो। और बहुत ही इजी रेसिपी है जो कि ब्रेड से बनती है, जिसमें वेजीज भी जाती है और बहुत ही डिलीशियस होती है और जल्दी भी बनती है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ब्रेड बाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली हूँ, उसको इस तरीके से कट कर ली हूँ। और यहाँ पे वेजीज है जो कि कॉर्न है, ये बॉइल्ड कॉर्न है, और यहाँ पे कैप्सिकम है और ऑनियन है चॉप किए हुए, और ये शेजवान चटनी है, और यहाँ पे कुछ टमाटो सॉस, मेयोनीज, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और बटर रखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम जो है सॉस बनाएंगे। तो सॉस के लिए हमें 2 से 3 चीज़ें लगती है, तो पहले हम सॉस प्रिपेयर करके साइड में रख देंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे शेजवान चटनी, ये 1 स्पून और उससे थोड़ी से ज़्यादा है। ओके, और यहाँ पे जाएगा मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप कोई भी ब्रांड का जो यूज़ करते हो वो ले लो, वो भी आपको 1 स्पून भर के मेयोनीज़ लेना है। ओके, ये 1 स्पून मेयोनीज़ हो गया, एंड इसमें जाएगा टोमेटो सॉस, थोड़ा सी टमाटो सॉस मीन्स 1 स्पून में, और इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले इसमें नमक मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इसमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सी दूध, थोड़ा सी ही डालेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ गाइस, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखिए ये सॉस बनके हो गया है रेडी। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, 1 स्पून शेजवान चटनी, 1 स्पून सॉस और 1 स्पून मेयोनीज और थोड़ा सी मिल्क, मैंने वो डबल कर दी हूँ। मतलब मैंने सारे 2-2 चम्मच की क्वांटिटी है ये, क्योंकि मुझे और क्वांटिटी में बढ़ाना था तो मैंने डबल कर दी। ओके, ये सारी अभी मैंने इसमें 2 स्पून सॉस है, 2 स्पून शेजवान चटनी है और 2 स्पून मेयोनीज है, और थोड़ा सा दूध और ऐड कर लियो। तो इस तरीके का सॉस बनके हो गया है रेडी। ये सॉस बहुत ही डिलीशियस होता है, हम ज़्यादा डाल के खाएंगे तो बहुत मज़ा आता है गाइस। ओके, तो अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। ये जो वेजीज है ना, इसमें इसको बटर में थोड़ा सी सौते कर लेना है। तो चलो, तो गाइस वेजीज को सौते करने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली हूँ अमूल बटर 1 स्पून। ओके, इसको हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दी हूँ, और इसमें डालेंगे वेजीज, सारी वेजीज चली जाएगी, ऑनियन चॉप किए हुए, कैप्सिकम एंड कॉर्न। इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी सौते कर लेना है। फ्लेम मैंने स्लो कर दी हूँ। कॉर्न तो गाइज मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कॉर्न जो है क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ली हूँ। ओके, हम इसको हिलाते रहेंगे इस तरीके से, बहुत देर तक नहीं, बस 3 से 4 मिनट काफ़ी है। ओके, तो ये सौते हो जाए गाइज, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो गाइस वेजीज को अच्छी तरीके से सौते कर लिया है मैंने, अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे और साइड में रख देंगे, और हम इसका 3rd प्रोसीजर करेंगे। उसमें भी हमें बटर का यूज़ होना है। ओके गाइस, जो ब्रेड मैंने कट करके रखी थी कुछ इस तरीके से क्यूब्स में,
मैं उसको अभी हम रोस्ट कर देंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे थोड़ा सी यहाँ पे अमूल बटर ले लेंगे। अच्छे से इसको मेल्ट कर देंगे। ये मेल्ट हो जाए और फिर अब डालेंगे यहाँ पे ब्रेड। इस ब्रेड को हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर देंगे, गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ओके, ऊपर नीचे हमें इस तरीके से हिलाते ही रहना है इसे, ताकि आगे पीछे दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ओके, तो जैसे ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं गाइस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखिए, ये ब्रेड जो है अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। कैमरे में थोड़े से डार्क दिख रहे हैं गाइस, बट ये सामने से गोल्डन ब्राउन है। ओके, बहुत टाइम ऐसा होता है कि ब्रेड की जो वैलिडिटी होती है 4 to 5 days ही रहती है, तो वो कुछ ब्रेड जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इसे इस तरीके से बना के खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम ज़्यादातर ले सकते हैं, और हेल्दी भी, क्योंकि इसमें सारी वेजीज जो जा रही है। आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा जो वेजीज चाहे वो भी ऐड कर सकते हो, बट इतनी जो वेजीज है वो काफ़ी है। ओके, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो हमने सॉस बनाए थे गाइस, ये सॉस, उसे मैं इसमें डाल दूँगी। इनको अच्छी तरीके से पहले हम साइड में रख देंगे, मीन साइड कर देंगे, एक के ऊपर एक नहीं रहने देंगे, ताकि हर एक ब्रेड क्यूब्स में सॉस का मज़ा आए हमें खाने के टाइम। और ये सॉस जो है ना गाइस, ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना बनाई मैं उतना पूरा ही डालूँ। आपको अगर कम लगता है सॉस तो आप कम भी बनाओ, या फिर आप साइड में रख के जब ये क्यूब्स को उठा के उसमें डिप करके भी अलग से खा सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। इसमें डालने के बाद भी, जैसे मैं भी डालूंगी ना, उसके बाद आप वैसे भी करके खा सकते हो, डिप करके भी, एज अ सॉस डिप, यू डिप भी यूज़ कर सकते हो आप इससे। ओके, तो चलो फिर अब मैं इसमें डालूंगी बनाया हुआ सॉस। अब इसके बाद गाइस इसमें जाएगा वेजीज जो हमने बनाए हुए थे ऑलरेडी, सौते करके रखा हुआ है। ऊपर ऊपर से इस तरीके से आपको वेजीज डाल देनी है इसमें। ये डालने के बाद इसमें जाएगा अमूल चीज। अगर आप मोजरेला चीज़ डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, बट जो कि वो हमारे घर में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे चीज़ क्यूब्स डाल रही हूँ। इसका भी मज़ा बहुत अच्छा आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मोजरेला चीज़ ही डालो। इसे डालने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे 2 to 3 minutes के लिए। बस हमारा फिर ब्रेड बाइट है बन के तैयार। मैं एक और क्यूब डालूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ गाइस। गाइस अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 2 to 3 minutes के लिए, उसके बाद ये हो जाएगा रेडी, फिर आपको बताती हूँ। तो गाइस 2 to 3 minutes हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे अभी चिली फ्लेक्स। और इसमें जाएगा ओरिगैनो। ऑरिगेनो का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं वो भी डालती हूँ इसमें। तो अब है ये ब्रेड बाइट बनके तैयार, देख सकते हो आप लोग कितना ही डिलीशियस दिख रहा है ये। ओके,
तो गाइस चलिए अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। इस तरीके से करके प्लेट में डिश आउट कर दूंगी। आई मीन स्लोली आप इस तरीके से इसे उठा सकते हो और ये जाएगा प्लेट में। ये देखिए अब मैं ही इसे टेस्ट भी करूंगी। ये देख सकते हो आप लोग जो मैंने जैसे क्यूब्स की हो ना खाने में बहुत ही इजी होता है। ओके तो इसमें जो कि मैंने मोजरेला चीज़ नहीं डाली हूँ, क्यूब वाले चीज़ डाली हूँ ना, तो क्यूब वाले चीज़ जो होते हैं तो थोड़े फैल के स्टिकी हो जाते हैं। ओके तो आप ऐसे कट करके खा सकते हो, ले सकते हो। अब इससे मैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है, एकदम पिज़्ज़ा जैसा भी टेस्ट आ रहा है और खाने में बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। जो मैंने चीज़ डाली हूँ और जो सॉस बना है ना, सॉस का तो बहुत ही मस्त टेस्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से आप बनाइए, घर में सबको खिलाइए और ब्रेड वेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ब्रेड की वैलिडिटी कम होती है, तो बहुत से लोगों का जो ब्रेड है वो वेस्ट हो जाता है, फेंकने में चला जाता है। तो इस ऐसी तरीके से बनाओगे तो वो यूज़ में भी आ जाएगा और हेल्दी भी बन जाएगा फूड। ओके तो चलो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर आऊँगे एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। और जिन्होंने हमारे पिछली ब्लॉग्स अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फिर चलो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।